हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में जो कि निकल के आई है हाउस ऑफ द ड्रैगन से, HBO Max से एंड Amazon प्राइम की मच अवेटेड द लॉर्ड ऑफ द रिंग टीवी सीरीज से। तो बस फिर ये जानने के लिए छोटा सा वीडियो एंड तक एक बार पूरा देख कर जाना। वेल, सबसे पहले अगर बात करें हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज के बारे में, तो रिसेंटली मैंने आपको इस सीरीज के बारे में अपडेट दी थी कि इस सीरीज की शूटिंग कॉर्नवेल इंग्लैंड में करीबन 3 हफ्ते और चलने वाली है। और रिसेंटली वहीं से इस सीरीज की कुछ सेट इमेजेस को लीक किया गया है जिसके अंदर आप मैट स्मिथ और रिस इवेंस को भी देख सकते हो अपने अपने कैरेक्टर्स में। और सिर्फ इनके कॉस्ट्यूम्स को देखकर लग रहा है कि ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल की होने वाली है, और हो भी क्यों ना, है भी उसी का स्पिन ऑफ, तो एक लेवल अब तो होगा ही। और कमेंट करना मत भूलना कि इनके कॉस्ट्यूम्स आपको कैसे लगे। और फोटोज को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर एक छोटे मोटे वॉर सीक्वेंस की शूटिंग हुई है, और बाकी सीरीज की स्टोरी, कास्ट, प्लॉट, स्पिन ऑफ, इन सब के ऊपर वीडियोस पहले से ही बना दिए गए हैं। सारे के सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन नाम की प्लेलिस्ट में। और वहीं अगर बात करें HBO Max की, जिसके बारे में आजकल कुछ ज्यादा ही अपडेट निकल के आ रही हैं, तो एक और अपडेट इस प्लेटफॉर्म के बारे में ये निकल के आई है कि रिसेंटली HBO Max ने सौगता मुखर्जी को इंडिया का हेड ऑफ कंटेंट अनाउंस कर दिया है, एंड ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे अमित मल्होत्रा को जो कि HBO Max के साउथ ईस्ट एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और अगर बात करें इस प्लेटफॉर्म के इंडिया में लॉन्च डेट की, तो इसके हाईली चांसेस हैं कि इस प्लेटफॉर्म को अगले साल तक यानी कि मई या जून 2022 में इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। पर एक बात तो है कि अगर HBO Max को अपने पांव इंडिया में जल्दी से जमाने हैं, तो उनको अपने पॉपुलर शोज को जल्दी से हिंदी डब में लेकर आना होगा जो कि यहां की मोस्ट ऑफ द ऑडियंस की मांग है, फिर चाहे वो गेम ऑफ थ्रोन्स हो या फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन, हिंदी डब इज कंपल्सरी हेयर। और वहीं अगर बात करें Amazon प्राइम की मच अवेटेड द लॉर्ड ऑफ द रिंग टीवी सीरीज की, तो इस सीरीज के बारे में एक छोटी सी अपडेट ये निकल के आई है कि हॉवर्ड शॉर, जिन्होंने इस मूवी के थीम म्यूजिक को कंपोज किया था, वही इस टीवी सीरीज की भी थीम सॉन्ग को कंपोज करने वाले हैं, जिससे कि इस टीवी सीरीज की ओरिजिनलिटी बरकरार रहे। तो अगर इसके बारे में आपके थॉट्स क्या है कमेंट करना मत भूलना। और बाकी ये सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी अगले साल 2 सितंबर 2022 को, अभी तो बहुत टाइम है। तो बस फिर आज के लिए तहीं एंड, अगर गलती से वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जो कि आप करते नहीं हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।